नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडिया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कलर ओएस 7.2 वर्जन के सारे नए फीचर्स का एक ओवरव्यू। मेरे पास ओप्पो का F17 प्रो मोबाइल है जिसमें कलर ओएस 7.2 प्री इंस्टॉल्ड आता है। वैसे तो आप सभी लोगों को कलर ओएस 7 और उसके सारे फीचर्स के बारे में तो पता ही होगा, और शायद आप अपने मोबाइल में कलर ओएस 7 यूज भी कर रहे होंगे। कलर ओएस 7.2 वैसे है तो माइनर अपडेट, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नए फीचर्स दिए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओप्पो लैब एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जिसमें 10 एक्सपेरिमेंट जो कि 10 नए फीचर्स ही है उसके बारे में बताया था। तो चलिए उस वीडियो के रिकैप से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कलर ओएस 7.2 के फीचर्स में सबसे पहले ओप्पो लैब में चलते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट जो है वो आपके रिंगटोन को कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है। दूसरा फीचर है डिसीजन स्पिनर। तीसरा फीचर है एक नया लाइव वॉलपेपर, ग्रेविटी वॉलपेपर। चौथा नया फीचर है फोकस मोड, जो कि कलर ओएस 7 में पहले से अवेलेबल था। आइकॉन पुल डाउन जेस्चर, इस तरह आप देख सकते हैं आइकॉन को नीचे पुल करके आप कोई भी एप्लीकेशन आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक रिटर्न बबल, पर्सनलाइज्ड आइकॉन स्टाइल, यह भी कलर ओएस 7 में पहले से ही अवेलेबल था। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, यह भी पुराना फीचर्स ही है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर, ये भी पहले अवेलेबल था। वी फॉर टॉर्च एंड ओ फॉर कैमरा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, ये ऑप्शन कलर ओएस 7.2 में नहीं आया है, यहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये थे 10 फीचर जो ओप्पो लैब एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल्ड आती है उसमें कुछ चेंजेस है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला चेंज यह है कि कॉन्टैक्ट्स, फोन और मैसेजेस ऐप, जो कि पहले ओप्पो के डेवलप की हुई आती थी, इसकी जगह पे अब गूगल के डेवलप की हुई ये तीनों एप्लीकेशन आपको कलर ओएस 7.2 में देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन, ये है फोन एप्लीकेशन, और ये है मैसेजेस एप्लीकेशन। अभी इस चेंज के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ गैरफायदे भी है। गैरफायदा यह है कि ओप्पो की जो एप्लीकेशन थी वह काफ़ी रिच फीचर रिच थी, उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते थे जो कि इसमें अभी मिसिंग है। जैसे कि SMS में आपको OTP कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा था। इसके सामने फ़ायदा यह है कि यह गूगल की डेवलप की हुई एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो इसमें अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे और गूगल उसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स धीरे धीरे ऐड भी करता रहेगा। जैसे SMS में अभी फीचर आने वाला है कि आप SMS को शेड्यूल भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में दूसरा जो अपडेट आया है वो यह है कि ओप्पो का ऐप मार्केट और गेम सेंटर, ये दोनों एप्लीकेशन जो कि पहले प्री इंस्टॉल्ड आती थी वह अभी रिमूव कर दी गई है। ओप्पो ऐप मार्केट एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए और गेम सेंटर गेम्स इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होती थी, और आप उनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते थे। अभी ऐप लिस्ट में आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि ऐप मार्केट और गेम सेंटर, ये दोनों एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं की हुई है। इस चेंज के भी कुछ फ़ायदे और कुछ गैरफायदे हैं। फ़ायदा यह है कि इसमें आप प्ले स्टोर में लॉगिन किए बिना भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते थे, पर उसका डिसएडवांटेज यह था कि ये दोनों एप्लीकेशन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, और वह आपकी मेमोरी और रैम यूज़ करती रहती है और कभी कभी नोटिफिकेशन भी भेजती रहती है। तीसरे बड़े चेंज की बात करें तो यह आपको देखने को मिलेगा कैमरा एप्लीकेशन में। कैमरा एप्लीकेशन में पोर्ट्रेट मोड में आपको दो नए फिल्टर मिल रहे हैं,
पहला है AI कलर पोर्ट्रेट, जिसमें कि जो पर्सन होता है वो कलर में रहता है और बाकी का सारा बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। और दूसरा फीचर से नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट, जो कि रात में आप अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड की जो लाइट्स है वो एकदम ब्लर और सर्कुलर होकर बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं AI कलर पोर्ट्रेट फोटोग्राफ है, ये दूसरा एग्जाम्पल ऑफ AI कलर पोर्ट्रेट फोटोग्राफ। नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि सारे बैकग्राउंड की लाइट्स एकदम सर्कुलर हो गई है और पूरी ब्लर हो गई है, और ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। चौथे नए चेंज की बात करते हैं तो इसमें सेटिंग में जाकर बैटरी में आप चाहेंगे तो एक और सुपर पावर सेविंग मोड आपको दिया हुआ है। ये मोड ऑन करते ही आपको सिर्फ 6 एप्लीकेशन यूज़ करने को मिलेगी, जो कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पावर सेवर मोड आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देता है, और अगर आपकी बैटरी बहुत ही कम 5-10% होती है तो ये सुपर पावर सेवर मोड ऑन करके आप बैटरी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और आखिर में सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऐप प्रीलोडिंग और एंटी फ्रेगमेंटेशन, यह दो नई टेक्नोलॉजी ColorOS 7.2 में आई है, जिससे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च की स्पीड और रैम का यूजेज काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ स्क्रॉलिंग है और एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो वह भी काफ़ी स्पीडीली ओपन हो जाती है। तो यह था ColorOS 7.2 के सारे नए फीचर्स। अगर इसके सिवाय भी कोई नया फीचर्स आपके ध्यान में है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे मुझे लिख के बताइए। लास्ट में एक और चेंजेस मैं आपको बताना भूल गया। ColorOS 7.2 में होम स्क्रीन को अगर आप राइट साइड स्वाइप करते हैं तो स्मार्ट असिस्टेंट्स की जगह पे आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है। ColorOS 7 में आप स्मार्ट असिस्टेंट को टर्न ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन ColorOS 7.2 में गूगल असिस्टेंट को आप ऑफ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ColorOS 7.2 में कॉन्टेक्स, फोन, मैसेजिंग और असिस्टेंट, ये चारों एप्लीकेशन को ओप्पो डेवलप्ड एप्लीकेशन से गूगल डेवलप्ड एप्लीकेशन में स्विच ओवर किया जा चुका है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स।